Hey guys, welcome to my new video. So guys, सबसे पहले तो आपको happy new year, क्योंकि guys आज new year है and bye bye 2020 जो सबसे baddest year लगा मुझे अभी तक का. And guys मुझे क्या लगता है कि आपको तो gifts में मेरे को तो gifts मिलते हैं new year पे and इस बार का gift मेरा बहुत अच्छा था new year का. तो मैंने सोचा कि अकेले अनबॉक्सिंग करने में मजा नहीं है, इसलिए आपके साथ अनबॉक्सिंग करूं. तो गाइस आइए, मैं आपको दिखा देता हूं पहले मेरे को क्या मिला. देखो गाइस, मुझे ये मिलिट्री ड्रोन मिला, रिमोट कंट्रोल पूरा. मेरे पास इससे पहले एक ड्रोन था फैंटम, तो उस ड्रोन को चलाने की वजह से मेरे को ये वाला भी आ गया चलाना. तो अब मैं इस ड्रोन को अनबॉक्स करता हूँ एंड फ्लाइट देखते हैं कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में प्रॉमिस फ्लाइट डाल दूंगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट या नेक्स्ट वीडियो में फ्लाइट. तो गाइस ये मेरा ड्रोन है एंड आप इस पर देख पा रहे होंगे रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट 6 एक्सेस सुपर 360 टम्बलिंग एक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड 360 टर्न लेफ्ट राइट मूव स्टंट लाइट्स अपग्रेडेड QY66D1 एंड इसमें कैमरा का ऑप्शन है. अगर हम चाहें तो इसमें कैमरा भी लगवा सकते हैं, बट जो इसका कैमरा है वो काफ़ी चीप क्वालिटी का होता है. अगर वो गलती से भी आपका ड्रोन नीचे गिर जाता है तो वो कैमरा पता नहीं टूट जाता है कभी कभार, या तो वो कहीं गुम हो जाता है. इसलिए मैं ऐसे ड्रोन्स में कैमरा नहीं रिकमेंड करता हूँ. आप अगर कैमरा वाला ड्रोन लेना चाहते हैं तो आप DJI का लीजिए, क्योंकि वो बेस्ट होता है. तो अब हम पीछे के स्पेसिफिकेशंस देखते हैं इसके. यहाँ पे है 6 एक्सेस 2.4G 6 एक्सेस एयरक्राफ्ट के, यहीं पे हमारा ये रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट बिल्ट इन जायरो फॉर हेक्सागनल रोटर एक्यूरेटली लॉक द हाइट इन एंड पोजीशन स्टेबल हावरिंग मेक फ्लाई मूव फ्रीली. एंड एक मिनट थोड़ा सा इसको यहाँ पे करते हैं. इसमें 1 key रिटर्न है विद हेडलेस मोड, 3D फ्लिप 360 टर्न ड्रोन ऐसे हवा में जाके ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पुराने ड्रोन के साथ भी ट्राई किया है. ये वाईफाई ट्रांसमिशन का मतलब ये नहीं हुआ कि आप अपने वाईफाई के थ्रू इसे कंट्रोल कर सकते हैं. आपका जो रिमोट है और ये जो ड्रोन है, ये दोनों इन दोनों का अपना वाईफाई है जिसके थ्रू ही कॉन्टैक्ट करेंगे. एंड 6 एक्सेस का जायरोस्कोप. तो अब हम इसे यहाँ पे भी है कुछ 1 key लोकेटिंग, ओके ये सब वही है. तो अब हम इसे करते हैं अनबॉक्स. आई एम वेरी एक्साइटेड. तो मैं इसे इधर से खोल लेता हूँ. तो मैंने कहीं इधर से खोल दिया है इसे. ओके गाइस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड गाइस. तो हमारा ये अभी खुल चुका है. यहाँ पे रिमोट है, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम ना हो. काफ़ी बड़ा बॉक्स है ना, तो फिर टेबल पे कभी कभार होने की प्रॉब्लम. ओके तो गाइस अभी हम इस वाले बॉक्स को रख देते हैं साइड एंड आते हैं अपने मेन बॉक्स में, जिसमें हमारी मेन चीज़ें हैं. तो ड्रोन को हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी मैनुअल देखते हैं. इस मैनुअल की तो हमारे को ज़रूरत है नहीं, ये चाइनीज़ है एंड ये इंग्लिश वाले मैंने अपने पुराने ड्रोन में पढ़े हुए हैं, इसलिए मेरे को पूरा कंट्रोल्स पता है. मैंने यहाँ वहाँ पे टेस्टिंग कराई थी, उन्होंने सेल भी डाल दिए थे मेरे को इसमें. उन्होंने कहा था ये काफ़ी इसका लूज सा कवर है थोड़ा सा, इस पर फिर बाद में कुछ स्क्रूइंग कर. एंड हमारे को मिल जाते हैं एक्स्ट्रा विंग्स एंड इसका लैंडिंग गियर एंड चार्जर्स एंड ये हमारा मेन रिमोट है.
जो मेरे पास पुराना रिमोट था उसमें एंटीना भी था। मैं ओ उसमें है वो एंटीना, देखो गाइस ये जो ब्लैक सा है ना ये एंटीना होता है। एंड अब हम देखते हैं अपने मेन ड्रोन को गाइस, ये हमारा मेन ड्रोन है, इसमें लाइटिंग काफ़ी अच्छी हुई है। मतलब इसमें देख काउंट करते हैं, इधर 6 लाइट्स है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे 6 तक नंबर लिखा, एंड उधर भी फिर 6 ही होंगी। हाँ इधर भी 6 ही हैं, 6। एंड फ्रंट में देखो ये 2 लाइट्स, क्योंकि मैंने उधर देखी थी टेस्ट करवा के, तो इसमें टोटल में 14 लाइट्स हैं। तो एक बार देखते हैं इसमें ऑन, पहले अभी ऑन तो हो नहीं रहा, आई थिंक ये बैटरी अनप्लग्ड है, तो मैं जल्दी से इसकी बैटरी प्लग कर लेता हूँ। एंड ओके वाओ गाइस, देखो गाइस इसकी लाइटिंग कितनी अच्छी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पुलिस का ड्रोन आ रहा है। तो स्टाइल भी अच्छा है, वैसे मेरे पास मैंने उधर देखे थे नॉर्मल ड्रोन और भी ड्रोन्स थे, पर ये मेरे को अच्छा डिजाइन लगा क्योंकि थोड़ा सा वो नेवी से रिलेटेड टाइप में है। वैसे बाकी सारे नॉर्मल ड्रोन में थे, एंड एक डोरेमोन वाला था, वो मेरे को बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि बच्चों वाला ड्रोन नहीं लेना मुझे। तो अब मैं इस ड्रोन को रख लूँगा इधर, ये ऐसे लगा था, ये ऐसे हो ऐसे लगा था, मेरी ये समझ में नहीं आई ये क्या चीज़ है, आप गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हम इसमें से इसके ये निकालते हैं, गाइस आप थोड़ा सा ASMR सुनो ऐसे। तो इसके ये इसके लैंडिंग गियर एंड ये एक्स्ट्रा विंग्स तो हम साइड में रखेंगे क्योंकि हमारा ड्रोन न्यू है। एंड ये इसका एंटीना हम ऐसे लगा देते हैं, ये देखो गाइस, इसको बाइंड करने के लिए हमारे को क्या करना होता है, अपना ड्रोन ऑन करना पड़ता है और फिर इसे ऑन करते हैं। तो इसे ऊपर करेंगे तो इसकी लाइट थोड़ी सी स्टेबल होगी, एंड जैसे ही नीचे कर देंगे कनेक्टेड हो जाएगा। तो अब हम इसमें इसके ये फिक्स कर देंगे, इसको थोड़ा सा टाइट दबाना पड़ रहा है क्योंकि इसमें स्क्रू वाला सिस्टम नहीं है ना। ओके गाइस, तो गाइस आप इसकी लुक देख पा रहे हो कितनी, मतलब कितनी अच्छी लुक है इसकी, पूरी टाइप ऑफ अच्छी लुक। एंड ये स्टैंड के साथ और भी अच्छा हो गया क्योंकि इसके जो स्टैंड है ना इसे इसकी हाइट ऊपर कर देते हैं, इसकी लुक भी अच्छी हो जाती है। तो अब हम ये बॉक्सेस को साइड रख देते हैं, बॉक्स में कुछ पड़ा तो नहीं है, नहीं बॉक्स में कुछ नहीं है, तो हम बॉक्स को साइड रखते हैं। एंड मैं आपको सारे मेन कंपोनेंट्स के कंपोनेंट्स दिखाता हूँ, ये एक्स्ट्रा विंग्स एंड मेन चीज़ तो हम भूल ही गए, इसका रिमोट। गाइस हम इसे ऑन करके देखते हैं, ऑन किया आपको साउंड है, देखो अभी इसकी लाइट स्टेबल हो गई है, ऊपर करूँगा ब्लिंक बीप हुई, जब इसकी बीप मतलब स्टेबल बीप हुई तो स्टॉप हो मतलब बंद हो गया। और मैं इसे गाइस मैंने इसे फुल थ्रॉटल दिया था, मतलब पहले मैंने आराम आराम से थ्रॉटल देखा था फिर फुल थ्रॉटल दिया। आई थिंक इसकी बैटरी लो है तो हम इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं, एंड तो गाइस उन्होंने कहा था कि इसको अराउंड हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स टू वन, हाफ एन आवर टू वन आवर इसको चार्ज करना है, हाफ एन आवर तो ज़्यादा हो गया, अराउंड 15 to 30 मिनट्स इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो गाइस मैं फ्लाइट की वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी एंड मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं इसके लिए हब ले आया USB का, तो हम रिमोट को पावर ऑफ करके
बैटरी निकल जाती है कि नहीं, बैटरी इसकी इंटरनली रहती है। तो अब हम इसको इसमें ऐसे प्लग करेंगे एंड ये जो बैटरी भी है इसमें इसे प्लग करके यहाँ पे इसमें ऐसे हम फिक्स कर देंगे। मैनुअल का।